तो अभी मेरे को टायर चेंज करने का था, तो टायर चेंज ऑलमोस्ट 15,000 हो गया तब चेंज कर रहा हूँ। 14,865 किलोमीटर अभी तक चलाई है, ये आपको दिख ही रहा होगा। ओके, मतलब आगे का टायर मैंने अब तक चेंज नहीं किया है, ये फर्स्ट टाइम चेंज कर रहा हूँ। देखो इसमें बहुत सारा टायर में क्रैक हो गया है, यहाँ पे थोड़ा थ्रेड बचा है, लेकिन पीछे का तो पूरा चला गया है, इसमें तो कुछ नहीं बचा है। देखो सब तार फिर देखना चालू हो गया, ग्रिप कुछ नहीं बचा है। कंपनी का टायर था मेटजेलर, ये देखो टायर में देखो ऐसे क्रैक गिर गए, देखो टायर में कितने क्रैक है। आगे का टायर में ग्रिप थ्रेड है लेकिन ग्रिप नहीं मिल रहा है, क्रैक के वजह से हैंडल काफ़ी वॉबल होता है, इसलिए आगे का टायर भी चेंज कर रहा हूँ। अरे बाकी हवा भी बिल्कुल नहीं है, ये देखो फुचुक फुचुक हवा भी पूरी चली गई है, पहले हवा भरना पड़ेगा, हवा निकलेगी भी नहीं, ऐसा आवाज़ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब पूरा टायर फ्लैट हो गया। अरे यार बारिश चालू हो गई, रुक जा यार थोड़ी देर रुक जा बारिश, वो टायर में हवा नहीं, आवाज़ कितना आ रहा है, स्लो ही चलाना पड़ेगा। तो काफ़ी आवाज़ कर रहे है, धक्का मार के लेके जाओ क्या? नहीं अभी क्या 100 मीटर ही बचा है, यहाँ पे मेरे दोस्त का गैरेज है, यहाँ से हवा भरा लेता हूँ, बूम बूम। ये देखो बारिश में एक्सपल्स की हालत देखो, तो अभी बाइक का टायर चेंज करने से पहले सोच रहा हूँ एक बार बर्नआउट कर लूँ, बर्नआउट करना तो बनता है, बाइकर्स का अपना कल्चर है। तो अभी बर्नआउट होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बारिश गिर रहा है। क्या करूँ, चलो फिर भी ट्राई करके देखते, बर्नआउट हुआ तो हुआ। टायर चेंज करना पीछे का तो मस्ट है, आगे का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रिप चाहिए मेरे को तो चेंज करना ही पड़ेगा। बाइक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टायर, अगर टायर अच्छा रहेगा तो आपको ग्रिप अच्छा मिलेगी, ग्रिप अच्छा मिलेगी फिर लीन करने मज़ा आएगा, एवरेज अच्छा मिलेगा, ब्रेक सिस्टम अच्छी मिलेगी, तो इसलिए दोनों टायर अभी एक साथ ही चेंज करते। तो आगे का टायर 15,000 किलोमीटर चला है, काफ़ी अच्छा चला है, पीछे का टायर जल्दी ख़त्म हो गया 10,000 में ही, 10,000 किलोमीटर के अंदर ही पीछे का टायर चला गया था। तो पहला कंपनी का ही था मेटजेलर, फिर एक MRF का लगाया 10,000 किलोमीटर पीछे का, 1,000 में लगाया था इमरजेंसी, तभी वहाँ पे कुछ नहीं था। आप मेरा चाहिए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्लॉक देख सकते हो, उसमें सब बताया मेरे, मेरी बाइक 4 महीने से इसी जगह पर खड़ी थी, तो टायर की बैंड बच चुकी साइड से, पूरा फोड़ा फोड़ा हो गया था, तो फोड़ा ही फूट गया, तो इमरजेंसी में वहाँ पे टायर मेरे को मिल नहीं रहा था, इसलिए सेकेंड हैंड टायर लगा दिया, बोला जब तक चलता है तब तक चलाओगा नहीं तो चेंज कर दूंगा। तो क्या बाइक कभी ज़्यादा निकलता नहीं, 8 महीने के बाद बाइक चेंज कर, टायर चेंज कर रहा हूँ, तो अभी मैं टायर लगा रहा हूँ अपोलो Alpha H1 का, ये कितना चलता है वो देखते अभी, ये भी 10,000 या 15,000 किलोमीटर चला, दोनों पैसा वसूल हो जाएगा मेरा। तो अभी मेरे को बर्नआउट करने का मन तो नहीं कर रहे हैं, एक तरफ से कर रहे हैं हाँ करूँ और दूसरी तरफ से बोल रहे हैं ना करूँ, लेकिन एक बार कर ही देता हूँ, क्यों बर्नआउट करते हैं खुशी अलग होती है, टायर अपन बंद करते हैं और दुख इसका है कि अपन इंजन को हार्म कर रहे हैं, ठीक है कर देते अभी इतना आए तो। ओके हाँ चैनल नाम चालू नहीं गेले हाँ।
यहाँ पे खंडर हो गया, खंडर क्रिकेट मैच, क्रिकेट। देखो इंजन हार्म हो गया और ABS फेल भी आ रहा है, तो अभी बस हो गया इतना ही, ज़्यादा बर्न आउट नहीं करने का, टायर फटेगा तो नहीं बिल्कुल, तो अभी टायर चेंज करते। ये रही मेरी बैग की हालत, बारिश में ये सब होता है। इसका पीछे का लगाना पड़ेगा मेरे को, सपाट शॉक अप सर, ये कैमरे रिकॉर्डिंग बस तू करना थोड़ा दिसला दिस, तू जा तू बग हेलमेट ले मागा संदीप एवढं पण नाही, मी सेपरेट घेतलं गाडी तो वेगळा रेडी नाही उसका चालत ना ना चालू स्टँड आहे ना, स्टँड वरती गेले की होतं, स्टँड वरती हे दाबले की होतं, आता कर रिंग वाकडे आले तो अभी ये बर्न आउट करके हो गया, ज़्यादा बर्न आउट भी नहीं कर सकता, बर्न आउट कर करके कर करके टायर फोड़ने की कोशिश, लेकिन टायर फूटा ही नहीं, तो बोला बस हो गया जितना किया बस, अभी टायर चेंज कर दिया, टायर फूटने का नाम ही नहीं, लेकिन पूरा हवा निकल गया फिर से पंचर होने के कारण। ओए सिग्नल छोटा है, जल्दी राइट राइट राइट, तो अभी इसको ऐसे ही चेंज कर देते। टायर टका दो, हाँ ये रहा अपना अपोलो H1 अल्फा H1, क्या टायर लग रहा है ये, सही एकदम मेड इन इंडिया ट्यूबलेस, इसके थ्रेड देखो क्या सही लग रहे, लीन करने क्या मज़ा आएगा, साइड में क्या ग्रिप है इसकी, क्या थ्रेड मार्क्स है, लीन करने एकदम मज़ा आएगा ऐसा, लीन करने एकदम मज़ा आने वाला है।
ये रहा अपना अपोलो अल्फा एच वन 150/60 ZR70 और ये अपना 0° स्टील रेडियल बेल्ट है। तो अपनी ये बाइक अभी ऐसे ओपन करके रखिए, इनके स्पैड हुक नहीं है तो ऐसे ही ओपन रखा है। अभी आगे का टायर निकाला है, इनके पास पैड हुक नहीं है, पैड लॉक। फटाका फोड़ेगा, फटाका फाट फाट, एक अभी दूसरा फूटेगा। तो अभी आगे का टायर भी हो गए लगा के, फिटिंग हो गए दोनों टायर, हो गए फिटिंग दोनों टायर, इंस्टॉलेशन हो गए। क्या सही लग रहे, बाइक वॉश करके मतलब भी नहीं अभी। हो पहले के टायर और अभी के टायर में कितना डिफरेंट है। तो ये पिच रियर टायर मेरे को गिरा है 6500 का और फ्रंट टायर 4500, टोटल 11000 हुआ है। वैसे अभी जस्ट नया नया टायर है तो अपन भगा नहीं सकते, पॉलिश रहता है इस पर टायर, दोनों टायर पे पॉलिश लगा हुआ है तो शाइन मारने के लिए। वैसे अभी नया नया टायर भगा नहीं सकते क्योंकि अभी चला रहा रोड पे तो टायर ऐसा वोवल हो रहा है, ब्रेक भी प्रॉपर लग नहीं रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने के लिए। तो इसे नहीं कि अभी टायर फिटिंग किया है तो अभी फटक से वेलेंटियर रॉसी बन जाओ और बाइक भगाना चालू करो, थोड़ा इसको अभी सेट होने देते, फिर एक दो ट्रिप मारते और फिर टायर का रिव्यू देते, लॉन्ग रूट जाके आते। ठीक है, तो ये ब्लॉग अभी यहीं पे एंड कर देते, काफ़ी बारिश हो रहा है। तो आपको ये ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, नए तो सब्सक्राइब कर दो यार। चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।